बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके फोन के बजे घंटी जब भी हो मेरे चैनल पर न्यू वीडियोस की एंट्री। टू सानिध्यास, आज सानिध्यास की रसोई में बनेगी बहुत ही टेस्टी और यूनिक ब्रोकली मखनी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरी रेसिपी को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ब्रोकली को सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सारे डंडे उतार दिए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे कटिंग्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। ब्रोकली मैंने काट के रेडी कर लिया है, अब इसे हम ब्लांच करेंगे। पानी मेरा बॉईल हो चुका है, अब इसमें मैं सारे ब्रोकलीस को डाल देती हूँ। इसे ब्लांच करना है, ओवर कुक ना करें। ब्रोकली में अच्छी उबाल आ गई है, अब हम इसे बंद कर देंगे, इसे तुरंत ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करेंगे। ठंडे पानी में तुरंत ट्रांसफ़र करने से इसके दो फायदे हैं। एक तो इसका हरापन बना रहेगा और इसका पूरा न्यूट्रिशन इसी में रहता है। अगर हम अधिक बॉईल कर देंगे तो वो उसका टेस्ट भी चला जाता है और वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें इसमें मखने के लिए चाहिए। देखिए थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ देंगे। ब्रोकली बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रोकली को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं एक बड़ी चम्मच दही ले रही हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे, नमक, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच सरसों तेल, एक चम्मच भुना हुआ बेसन, एक चम्मच इसके साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। ये हमारा मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें अपने ब्रोकलीस को ऐड कर देंगे। सारे ब्रोकली को इसमें ऐड करते हैं, तो इसके मिला करके इसे आधी घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अच्छे से ये कोट हो जाए ऐसे मिला देना है इसे। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और साथ ही साथ इसमें एक चम्मच बटर डालेंगे। इसमें दो टुकड़ा दालचीनी, कुछ लौंग और एक बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। पांच छह हरी मिर्च और ये दो बड़े प्याज मैंने डाइस कर लिए हैं, इसे भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम थोड़ा भूनेंगे। प्याज थोड़ा भून गया है, इसमें मैं दो बड़े टमाटर ऐड कर देती हूँ, इसे भी हम भून लेंगे। नमक डाल देंगे, इसी से टमाटर प्याज वगैरह सब अच्छे से गल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें मैं कुछ काजू ऐड कर दे रही हूँ, ये काजू मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। हाफ कप पानी ऐड करके इसे पकाने के लिए छोड़ देते हैं। ये प्याज टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, फिर हम इसे बंद कर देंगे। प्याज टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, चेक कर लेते हैं हम इसे, बिल्कुल गल गए हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं और ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे। पैन चढ़ा दिया है मैंने, इसमें मैं एक चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। बटर मेल्ट होते ही ये जो ब्रोकली हमने रखा था मैरिनेट करके, इसे हम इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से टॉस करते हुए इसे हम थोड़ा देर पकाएंगे। हमारी ब्रोकली बिल्कुल रोस्टेड हो गई है, अब इसे हम उतार देंगे। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल और एक चम्मच बटर डाला है। इसके साथ साथ
ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसे ऐड कर देंगे। इस मसाले में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच गरम मसाला, इन सबको भी ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से तेल ऊपर आने तक भूनेंगे। मसालों में अच्छी खुशबू भी आ रही है और कलर तो बहुत सुंदर है, बट इसे हमें और थोड़ा पकाना है। देखिए मसालों में से ऑयल सेपरेट हो रहा है। इसमें हम अब एक चम्मच बड़ी चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। मैंने होममेड क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। फिर से इसे हम एक मिनट चलाएंगे। यकीन मानिए ब्रोकली अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली खाएंगे, और जिन्हें पसंद है ब्रोकली वो इसे बनाएं तो वो और चाव से खाएंगे। इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम अपने ये रोस्टेड ब्रोकली को ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से उलट पुलट के थोड़ा मिला लेंगे। इसमें अब मैं एक कप पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें चाहिए हमें ग्रेवी के लिए। इसे एक बॉईल आने तक पकाएंगे। टेस्टी मखनी ब्रोकली खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर से क्रीम डाल रही हूँ और अब मैं इसे सर्व करूँगी। थोड़ी सी धनिया पत्ता इसमें ऐड करेंगे और गार्निश करते हैं इसे। हमने मखनी ब्रोकली को घर की बनी हुई पूड़ियों और सलाद के साथ सर्व किया है। एंजॉय द फूड।